लीडर सारे हैं, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले यहाँ पे एहतियाती धरना हो रहा है और सरकार से हमारी गुजारिश है कि 139F जो सरकार ने ऑर्डर इशू किया है 1 अप्रैल को, उसके हिसाब से यहाँ के मुलाजमीन, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, रेगुलर एम्प्लॉयज, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, जितने भी 5 लाख मुलाजमीन हैं उनका सर्विस डाटा अपलोड करना था JKPCS पे, लेकिन 2G के होते हुए वो अपलोड नहीं हो रहा है, उसके लिए 4G अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आपके पास मैन पावर नहीं है, COVID-19 को मद्देनजर रखते हुए, लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है और उसके होते हुए आपके पास मैन पावर अवेलेबल नहीं है जो ये अपलोड करेंगे, और कुछ दिनों से इंटरनेट भी बंद है, और उस नतीजतन ये कि यहाँ के 4.5 लाख रेगुलर मुलाजमीन, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड और 60,000 डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स तनख्वाहों से, माह अप्रैल के तनख्वाह से महरूम है। सरकार से हमारी गुजारिश है कि आज 12 तारीख है, 12 तारीख पे भी यहाँ के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। अगर आज इस मुकदस महीने में आज तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? हमारे लोग फाका कशी पे मजबूर हो जाएंगे और यहाँ जो मुलाजमीन का तनख्वाह है वही सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं इकोनॉमी ठप है और यहाँ का मुलाजमीन का ही तनख्वाह सर्कुलेट होता है। सरकार से हमारी गुजारिश होगी इसको फिलहाल डेफर किया जाए, प्रीवियस प्रैक्टिस के हिसाब से तनख्वाह निकाला जाए। और दूसरी बात, माही मुकदस है, माही मुकदस का महीना चल रहा है, ईद उल फितर आने वाली है, उसकी आमद आमद है। सरकार से हमारी गुजारिश होगी कि मई की तनख्वाह एडवांस में यहाँ के मुलाजमीन को दी जाए ताकि मुलाजमीन भी सफर न करें।